नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा, और इसी संविधान का प्रीएम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करती है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक बड़ा हिस्सा समाज का सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतरों को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहां मौजूद हैं आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। रोजाना आपके सामने एक नए विषय के साथ हम लोग आते हैं, और आज का जो हमारा विषय है वो है कि भारत में मुफ्त विधिक सहायता से जुड़े क्या कानून हैं। इसके अलावा अगर कोई और कानूनी सहायता भी आप चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर आपके लगातार फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर को फोन करके आप सीधे हमारे साथ जुड़ें, अपनी बात हम तक रखें। हमारी तरफ से आपकी हर कानूनी समस्या में हमारी तरफ से बेहतर और निःशुल्क कानूनी सलाह आपको जरूर दी जाएगी। रोजाना आपके सामने एक नए सवाल के साथ हम लोग हाजिर होते हैं, ताकि आपकी कानून संबंधी जानकारी को मजबूत कर सकें और कम से कम इतना समर्थ आपको बना सकें कि पहली कार्रवाई आप अपने हिसाब से कर सके, कानून संगत जो हो। और आज का जो विषय है कि मुफ्त विधिक सहायता ने फ्री लीगल एड के क्या प्रावधान है, इसके बारे में बात करेंगे। जो खास मेहमान हमारे साथ हैं, जो पैनल हमारे साथ, उनका तारुफ कराते हैं आपसे। हमारे साथ राकेश तिवारी हैं, अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। अभिषेक शुक्ला जुड़ चुके हैं हमारे साथ, अधिवक्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट। और दिग्विजय नाथ दुबे हमारे साथ हैं, अधिवक्ता है इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से। बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। शुरुआत राकेश जी आपसे करूंगा कि जब फ्री लीगल एड की बात हम लोग करते हैं तो ये क्या कंसेप्ट है और ये कानून में कहां मेंशन है? देखिए सर, ऐसा है कि फ्री लीगल एड बेसिकली ये हमारे प्रीएम्बल से ही आपको नजर आएगा, जिसमें प्रीएम्बल में कहा गया जस्टिस सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। तो वहाँ सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस जी। उसके अलावा आर्टिकल 39A जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें स्टेट जो है, स्टेट को बाउंड किया गया है कि स्टेट जो है इक्वल जस्टिस टू ऑल, सबको प्रोवाइड करेगा इक्वल जस्टिस। उसके अलावा जो है CRPC की धारा 303 में जो है उसमें जो है कोई अक्यूज अगर जिनको जो अनेबल है जी, जो अफोर्ड नहीं कर सकता एडवोकेट को, उसके लिए भी जो है फ्री लीगल एड की व्यवस्था की गई है जी। बेसिकली पर्पज ये है। उसके अलावा जो है गवर्नमेंट ने जो है लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 बनाया, और उसके तहत जो है इंडिया में फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाती है। उसके अंदर डिफरेंट कंडीशन रखे गए हैं कि कौन एलिजिबल होगा इस फ्री लीगल एड के बारे में हम बात करेंगे सर। लेकिन दिग्विजय नाथ दुबे जी, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं फ्री लीगल एड के लिए। फ्री लीगल एक्ट में सहायता लेने के लिए जिले लेवल पे, हाई कोर्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे सोसाइटीज बनी हुई हैं। डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट लेवल की सोसाइटी के अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, और जब किसी को इस तरह की कोई सुविधा लेनी होती है तो वहाँ जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं, तो वहाँ उनको लीगल जानकारी भी मिलती है और वहाँ से एक वकील भी उनकी सेवा के लिए लगाए जाते हैं और वो उनके मुकदमे की तैयारी करके उनके मुकदमे को कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं जी। ठीक है, लेकिन अभिषेक शुक्ला मैं जानना चाहूंगा आपसे कि अगर किसी व्यक्ति ने फ्री लीगल एड के लिए अप्लाई किया, उसको वकील मिल जाता है, लेकिन उनकी कार्यप्रणाली से, कार्यशैली से वो संतुष्ट नहीं होता है, तो क्या ये ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप बदल सकें? तब ये है, लेकिन अनंत जी सबसे गंभीर समस्या ये है कि फ्री लीगल एड आज का जो आपका टॉपिक है, ये निश्चित तौर पर बहुत बड़ा टॉपिक है इस देश के लिए भी, इस देश की जनता के लिए भी। मेरा अपना मानना यह है कि फ्री लीगल एड जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसमें आपका यह चैनल जो इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये फ्री लीगल एड सर्विसेज हैं क्या, ये आम जनमानस को मालूम होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि अगर उनको जानकारी हो जाए तो इन फ्री लीगल एड जो सर्विसेज हैं उनका लाभ उनको कैसे मिलेगा,
क्योंकि फ्री लीगल एड सर्विसेज जो है वो सिर्फ वीकर और पुअर सेक्शन के लिए, जो भी तबका गरीब है या नहीं सक्षम है बड़े वकीलों को अफोर्ड कर पाएगा, महंगे वकीलों को अफोर्ड कर पाएगा। सरकारी स्तर पर, सरकारी तंत्र पर बड़े वृहद स्तर पर इसकी पूरी चर्चा हुई। नालसा आपने सुना होगा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी 1987 इसकी स्थापना की गई, जो मॉनिटरिंग करती है या ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराती है कि फ्री लीगल सर्विसेज कैसे अवेल की जा सकती हैं। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की लीगल सर्विसेज कमेटी बनी, हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी बनी, बहुत सारी चीजें। ये हुआ कि भाई गरीबों को देखिए, समाज की न्याय की कसौटी पर किसी भी आदमी के साथ अन्याय ना हो, चाहे वो समाज का दबा कुचला तबका ही क्यों ना हो, न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए। आर्टिकल 39 जो है हमारे संविधान का, वो यही परिभाषित करता है ना कि न्याय, इक्वलिटी बिफोर लॉ, न्याय सबको समान रूप से मिलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि इसकी जानकारी कितने लोगों को है। आप गांव में चले जाइए, कस्बों में चले जाइए, लोगों को मालूम ही नहीं है कि इस प्रकार का कोई कार्यक्रम चलाया भी जा रहा है सरकार के द्वारा, या किस प्रकार की किसी संस्था का स्थापना भी की गई सरकार द्वारा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जैसा कि अभी एपीएन न्यूज कर रहा है अपने चैनल के माध्यम से लीगल अवेयरनेस बढ़ा रहा है, मेरे हिसाब से कई न्यूज चैनल को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। बहुत बड़ी, बहुत बड़ा मुद्दा है, प्रावधान कानून के अंदर है, तो आम लोगों को जिनके लिए प्रावधान है निश्चित तौर पर जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन अभिषेक शुक्ला बिल्कुल मैं लौटूंगा सर आपके पास। इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनोज रीवा से। मनोज, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? मनोज, अब तक आवाज हमारी पहुंच रही है? चलिए मनोज, आपका नंबर हमारे पास जरूर पहुंच गया। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से आपको जल्द कॉल की जाएगी, आपकी समस्या जानकर आपकी सहायता हमारी तरफ से जरूर की जाएगी। इस वक्त नासिक से रत्ना हमारे दर्शक। रत्ना, अपनी बात आप रखें। अब कोई सुन नहीं रहा उनको, तो हमारे इतने केस चल रहे हैं। जी रखिए। अपनी बात रखिए आप, शायद कुछ तकनीकी खामी के चलते हमारे दर्शक हम तक अभी संपर्क नहीं कर पा रहे। फिलहाल आप वापस हमारी जो हमारी फोन लाइंस हैं वो खुल चुकी हैं, उनके जरिए अपनी बात आप हम तक रख सकते हैं। एक्सपर्ट लीगल पैनल हमारे साथ मौजूद है, जो कि आपकी हर तरह की कानूनी समस्या में आपको बेहतर कानूनी सलाह देने में पूरी तरह सक्षम है, आपको बेहतर मार्गदर्शन करने में आपके लिए सक्षम है। बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिग्विजय नाथ जी, मैं आपके पास आऊंगा। अगर कोई व्यक्ति किसी लीगल एड के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो उसके लिए क्या पैरामीटर्स बनाए गए हैं कि सिर्फ उन पैरामीटर्स के अंतर जो व्यक्ति आता है सिर्फ उसे ही लीगल एड मिलेगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात बताना चाहता हूं जी, कि लीगल एड लेने के लिए उस संबंधित न्यायालय में जिसमें आपका केस चल रहा है, आप उस न्यायाधीश के समक्ष अपना प्रार्थना पत्र दे सकते हैं कि मैं गरीब हूं और मैं सरकार की जो योजना है उसके तहत अपने केस को लड़ने के लिए एक वकील चाहता हूं, तो कोर्ट तुरंत प्रोवाइड कराएगी। उसके लिए अमिकस क्यूरी और इस तरह के लोग उसमें रजिस्टर्ड रहते हैं। और हम आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहते हैं कि जो जजेस बैठे रहते हैं वो देख के समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति अपने लिए अपना एक वकील नहीं खड़ा कर पा रहा है, क्योंकि बार बार कोर्ट कभी गवाही के लिए, कभी विटनेस के लिए और किसी पेपर को तस्दीक करने के लिए जब किसी मुलजिम को बुलाती है, तो उस समय कोर्ट को यह लग जाता है कि इनके पास कोई विधिक सहायता देने वाला कोई अधिवक्ता नहीं है, तो कोर्ट चाहे तो तुरंत नियुक्त कर सकती है। तो ये दो तरह से नियुक्ति हो सकती है, व्यक्ति भी अप्लाई करे तो भी उसको वकील मिल जाएगा, और अगर कोर्ट को ये संज्ञान में आता है कि ये अच्छा वकील या ये वकील करने में सक्षम नहीं है, तो कोर्ट भी वकील नियुक्त कर सकती है और उसका पैसा विधिक सोसाइटी द्वारा अधिवक्ता को दिया जाता है। जी बिल्कुल। इस वक्त सर हमारे दर्शक आयास जुड़ चुके हैं हम तक। आयास, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? मैं जीतनी गांव से बोल रहा हूँ, आजमगढ़ से। जी, तो यहाँ पे हमारे यहाँ गैस पाइप लाइन वाले जबरदस्ती गैस पाइप ले जाना चाह रहे हैं, ना तो वो पैसा दे रहे हैं, ना किसी उनका कोई अधिकारी आ रहे हैं हमारे पास, ना जो है वो पैसा दे रहे हैं, बस खाली जबरदस्ती हमको धमका रहे हैं और पाइप गैस पाइप लाइन डाल करके ले जाना चाह रहे हैं। तो कहाँ से ले जा रहे हैं, जहाँ से लाइन जा रही, क्या जमीन आपकी है? जी जी जी, हम लोगों की जमीन, किसानों की जमीन है, बगैर पैसा दिए, बगैर कुछ किए ले जाना चाह रहे हैं, और खाली ये कह रहे हैं कि हम 10% देंगे। और ये कह रहे हैं, जो मैंने कहा आपके एक्ट में लिखा हुआ है, पहले पैसा दे, पहले संवाद करिए लोगों, आप दोनों आदमियों का डर हो, किसान और पाइपलाइन का, जब आपस में इत्तेफाक हो जाए उसके बाद जो है पैसा दें, कंपनसेशन पूरा पेड करें, उसके बाद लेके जाए। लेकिन ये लोग जबरदस्ती लोगों को परेशान कर रहे हैं, बार बार जो है
धमकी दिला रहे हैं, प्रशासन से भी धमकी दिलवा रहे हैं कि हम भेज जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, ऐसे लेके जाएंगे, वैसे लेके जाएंगे, क्या करें सर? ठीक है राकेश तिवारी जी, क्या उनको करना चाहिए कानूनी रूप से? बेसिकली क्या है, इनका जो गैस पाइप लाइन के लिए जो है, अब ये जो एजेंसी जो ये काम करा रही है वो गवर्नमेंट एजेंसी है या प्राइवेट एजेंसी है वो देखना होगा। दूसरी चीज़ ये कि ये सही है कि पहले अप्रूवल किसानों की अगर ज़मीन है उसके थ्रू ये जा रहे हैं तो अप्रूवल किसानों का लेना ज़रूरी है। अब उस किस एक्ट के तहत ये कर रहे हैं काम, ये क्या इन्होंने पहले इनसे कंसेंट ली थी जो किसानों से, या फिर गवर्नमेंट का कोई अप्रूवल प्लान है जिसके तहत वो एजेंसी जो है ये कर रही है काम, ये पूरा देखना पड़ेगा। अगर वो इलीगल कर रहे हैं तो ये जो है कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं और उनके खिलाफ इंजंक्शन ग्रांट करवा सकते हैं। जी मैं उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर सहायता मिली है सर, और अगर कोई और आपको दिक्कत इस बारे में आती है या जो प्रोसेस अभी बताया राकेश तिवारी जी ने उसको अपनाने में कोई दिक्कत आती है तो आप वापस हमारे साथ जुड़कर इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारे साथ अपनी समस्या साझा कर सकते हैं, मतलब से बेहतर सहायता आपकी इस बारे में जरूर की जाएगी। अभिषेक शुक्ला मैं आपके पास आऊंगा, जो सवाल मैंने पहले पूछा था कि अगर किसी एक व्यक्ति की कार्यशैली से, किसी एक वकील की कार्यशैली से कोई व्यक्ति अवगत, मतलब कोई व्यक्ति वो नहीं है कि सेटिस्फाई नहीं है इस चीज़ को लेकर कि वो वकील सही काम कर रहा है, तो क्या संभावना रहती है कि वापस वो लीगल सर्विस अथॉरिटी में जाकर अप्लाई कर सके कि उसके लिए कोई दूसरा वकील अपॉइंट किया जाए? निश्चित तौर पर कर सकता है, वो दोबारा एप्लीकेशन दे सकता है कि हमको जो है कोई प्रॉपर वकील अपॉइंट किया जाए ताकि मैं अपना केस लड़ सकूं। मैं आनंद जी आपको बता रहा था कि सरकार द्वारा इस प्रकार के जो भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं इनमें सबसे ज्यादा अभी तक कोई कारगर अगर हुआ है, कोई अगर सरकारी नीति कोई कारगर हुई है तो आपने भी सुना होगा लोक अदालत। जी पूरे हिंदुस्तान में, देश भर में 20,000 से ऊपर लोक अदालतों का स्थापना किया गया, लगभग 90,00,000 से ऊपर केसों का निस्तारण भी किया गया है। तो लोक अदालत तो इस मामले में सबसे, मतलब कहा जाए तो मजबूत स्तंभ के रूप में सामने आया है। और अच्छी चीज ये है कि लोक अदालत की डिक्री को आप किसी भी न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, कहीं उसकी अपील नहीं लाई करती है, मतलब वो पार्टी की कंसर्न होगी और डिसाइड हो जाएगा। तो लगभग आप समझ रहे हैं 90,00,000 मुकदमे अगर डिसाइड हो रहे हैं लोक अदालत में गरीबों के। मुख्य बात यह है कि हर एक चीज की लिमिट बनाई गई है कि आप हाईकोर्ट लेवल पे अगर हैं, वीकर सेक्शन, पुअर सेक्शन, आपको प्रूफ करना पड़ेगा आपकी सालाना इनकम 9,000 या 12,000 से ऊपर ना नहीं होनी चाहिए। और ये वीकर सेक्शन जो कुछ भी डिफाइंड है, ये एससी एसटी के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, वुमेन्स के लिए नहीं है, इनको तो फ्री लीगल एड वो करना है, इनको कहीं भी अपना प्रूफ नहीं करना है कि वीकर सेक्शन के हैं कि पुअर सेक्शन के हैं, इनके लिए सारी फ्री लीगल एड वो है। समस्या से बार बार ये आ जाती है, हम लोग भी अधिवक्ता हैं, पीआईएल के माध्यम से हमेशा एक जनमानस की समस्याओं को कोर्ट के सामने रखते हैं, ये भी फ्री लीगल सर्विसेज ही हैं। या एक संस्था है, आपने सुना होगा एचआरएनएल, ह्यूमन राइट लॉ नेटवर्क करके, उन्होंने भी कई ऐसे अटैक की जो पीड़िता थी उनको कंपनसेशन दिलवाया, या हॉस्पिटल्स में काम किया, जेल में काम किया उन्होंने। इस तरह की जो छोटी छोटी संस्थाएं हैं वो बड़ी अवेयर हो और इनकी अवेयरनेस इस लेवल तक हो। नालसा की स्थिति मैं आपको बता दूं, ये है कि नालसा में हर साल सरकार का करोड़ों रुपए जाता है, और नालसा की स्थापना क्यों की गई थी कि वो मॉनिटरिंग करेगी कि सारे जो लीगल कार्यक्रम हैं फ्री लीगल एड वाले, वो उन कार्यक्रमों का सुचारू रूप से संचालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पर अनंत जी मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या आपने कभी देखा है कहीं अपने आसपास, मैं अधिवक्ता हूं मैंने तो नहीं देखा, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि आपने आसपास कहीं देखा कि कहीं गली मोहल्लों में, नुक्कड़ में लीगल अवेयरनेस का कोई कार्यक्रम चलाया जा रहा हो या जनता को यह अवेयर किया जा रहा हो कि एक संस्था की स्थापना सरकार द्वारा की गई है, इस संस्था के माध्यम से आपको लीगल एड प्रोवाइड कराया जाएगा? मुझे तो नहीं दिखाई देता कहीं। तो इस सिस्टम में ये चीजें आपने किताबों में लिख दी है, बना दिया, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन फेलियर है सिस्टम में, क्योंकि आम जनमानस तक जाए ही नहीं, जरूरत भी है। कई लोग ऐसे मिलते गरीब लोग जो मुकदमा लड़ रहे हैं बेचारे, कई सास लड़ रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं है, उनके पास पैसा नहीं, मुकदमा बंद कर दिया, कई लोग सालों से। बेहतर बात यह है कि हमारे पैनल में जो तीनों लोग मौजूद हैं वो अलग अलग जगहों से हैं। आप अगर वाराणसी से हैं तो लखनऊ से भी हमारे साथ हैं, और हमारे साथ दिल्ली से भी है। राकेश जी शुरुआत में आपसे करूंगा कि जो सवाल उठाया अभी अभिषेक शुक्ला ने कि इस मामले में लोगों को अवगत कराने की बेहद जरूरत है, तो दिल्ली के आसपास की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या पैरामीटर्स यहाँ पे होने चाहिए, ये क्या योजनाएं हम लोग ले सकते हैं, अपना सकते हैं, जिससे कि लोग कम से कम इस बात से इंट्रोड्यूस हो पाए कि उनको क्या प्रावधान दिए गए हैं? देखिए दिल्ली में तो खासकर ये अवेयरनेस है, और अदर स्टेट में के नहीं बता सकता मैं, अदर स्टेट में चूंकि अवेयरनेस नहीं है, और यहाँ तो चूंकि ये हर कोर्टों में जो है एक डिस्प्ले बोर्ड बना हुआ है, बैनर्स बने हुए हैं, वहाँ जो है फ्री लीगल एड्स के लिए DLSA के एड्रेस और मोबाइल नंबर वगैरह लिखे हुए हैं, तो कोई भी व्यक्ति अगर अप्रोच कर सकता है तो वो भी करे। उसके अलावा जो है दिल्ली में दिल्ली दिल्ली डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सोसाइटी भी है, वो भी फ्री लीगल एड प्रोवाइड करती है, वो स्टेट
स्पॉन्सर करता है उसको। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे जैसे नालसा की के तहत जो है हर लेवल पे जैसे स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटीज़ होती है जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की जो है लीगल सर्विस कमेटी है वो सुप्रीम कोर्ट लेवल पे लीगल सर्विस प्रोवाइड करती है। तो ऐसा नहीं है कि अवेयरनेस नहीं है, हाँ लेकिन इसमें काम करने की ज़रूरत और अधिक है, क्योंकि अवेयरनेस जितना अधिक होगा गवर्नमेंट का, अगर ये पर्पज़ बहुत ही पॉजिटिव है और बहुत ही मतलब स्पिरिट इसका काफ़ी अच्छा है, अगर इसको प्रॉपर तरीके से जो है एडवर्टीजमेंट किया जाए और लोगों को अवेयर किया जाए तो लोग इसमें इस जो है अपॉर्चुनिटी को अवेल करेंगे और जो लीगल पर्पज इसका था कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इक्वल जस्टिस टू ऑल, ये सॉल्व होगा। लेकिन होता क्या है कि दिल्ली जैसे, दिल्ली तो चूँकि नेशनल कैपिटल है तो यहाँ चूँकि सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ देख रेख भी होती है तो प्रॉपर तरीके से लोगों को अवेयरनेस है और डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे जो है लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम भी होते हैं, ऑर्गेनाइज किए कराए जाते हैं। उसके अलावा कुछ इंडिपेंडेंट एडवोकेट्स एसोसिएशन भी है जो भी फ्री लीगल एड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ओवरऑललेस यहाँ अवेयरनेस है, लेकिन जो दूर के जो है अगर राज्यों की बात करें तो वहाँ अवेयरनेस नहीं है और वहाँ स्टेट गवर्नमेंट को ये काम करना चाहिए, लोकल लेवल पे कैंप्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए, वहाँ जो है जो लीगल सर्विस अथॉरिटी के जो एडवोकेट हैं उनके थ्रू जो है ये कैंप्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए और लोगों को अवेयर करना चाहिए कि ये गवर्नमेंट की स्कीम है, इससे आप बेनिफिट ले सकते हैं। मुरादाबाद से जगदीश हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। जगदीश अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? नमस्कार सर, सभी लोगों को नमस्कार। जी नमस्कार। 16 अप्रैल को इस लड़की की मृत्यु हो गई थी ससुराल में। वो ससुराल पक्ष ने मारी थी, थाने में जब लोग गए तो थाने वालों ने FIR नहीं की थी। फिर वो 156(3) के अंतर्गत वो एप्लीकेशन उसमें लगे, सीजन साहब का आदेश, सीजन साहब के यहाँ से आदेश हुए 19 तारीख को जी, और 19 तारीख को आदेश होने के बाद भी उसी थाने में FIR बड़ा जब कोर्ट ऑफ पेंडम के लिए भी कराएंगे, लड़की की माँ बहुत ज्यादा गरीब है, तब वो 2 तारीख को FIR दर्ज हुई बड़ा मुश्किल से। और उसके बाद भी अभी तक भी मुलजिम बाहर है, कोई मुलजिम बंद नहीं, बाहर सब बाहर घूम रहे हैं। सर क्या करें, आपके एक बार पीछे भी राय लीजिए, आपकी जगह पे छुट्टी में आपने डाली है सही, जो आपके विद्वान बैठे हुए थे वकील लोग उन्होंने कहा था तो हमने डाली, लेकिन सर 19 तारीख को सीजन साहब के आदेश हुए उसके बावजूद टालाटोली थाने वाले करते रहे, 2 तारीख को मुकदमा दर्ज हो गया है लेकिन अभी तक सारे मुलजिम बाहर हैं और पुलिस वाले पूरा मौका दे रहे हैं उन्हें लड़की वालों को दबाव बनाने के लिए, नेताओं से दबाव बनवा लो, बदमाशों से दबाव बना लो, फिर लड़की भी मरी और इतना भी पीड़ित किया जाएगा। सर एक रिक्वेस्ट आपसे और है, आपका ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है लेकिन जहाँ की शिकायत हो सर इतना और हो जाएगी उन लोगों से, आप कुछ थोड़ा पता कर लें तो बड़ी सहायता मिल जाए हम लोगों को, सिर्फ हमारी को सुनता नहीं, पब्लिक की को सुनता नहीं, थाने वाले पूरे आप जानते हैं पुलिस सिस्टम क्या है सर। ठीक है विजयनाथ दुबे जी, क्या इनको करना चाहिए, क्या इनके पास कानूनी रूप से ऑप्शंस रहते हैं? देखिए अगर इनकी FIR दर्ज हो गई है तो CGM महोदय की अदालत में इनको अपने मुकदमे की विवेचना में हो रही प्रगति के लिए प्रार्थना पत्र देना चाहिए। उस प्रार्थना पत्र पर CGM महोदय विवेचना अधिकारी को तलब करेंगे और पूछेंगे कि इस मुकदमे में आप क्या विवेचना कर रहे हैं और किन किन मुलजिमों के नाम आए हैं और उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की है। अगर इस पर कोई आख्या थाने से नहीं आती है तो संबंधित मजिस्ट्रेट, मतलब जो हत्या के मुकदमे होते हैं प्रायः वो CGM की ही कोर्ट में चलते हैं, वो IO को तलब करेंगे और उनसे इस पर जवाब सवाल करेंगे और इनको बताएंगे कि इनके मुकदमे की तफ्तीश में विवेचना में क्या चल रहा है और कितने लोगों की गिरफ्तारी हो गई और किन की गिरफ्तारी के लिए दबिश डाली जा रही है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको बेहतर सहायता इस संबंध में मिली है। और इस वक्त आगरा से अफजल हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। अफजल अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हेलो अफजल, अपनी टीवी की वॉल्यूम पहले आप बंद कर ले, उसके बाद अपना सवाल रखें। ये मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था, ये सर ये बिजली चोरी का भी बहुत चल रही है हमारे, बिजली चोरी जी, तो आपकी समस्या क्या है सर उसमें? समस्या ये है हम जब मना करते हैं तो हमें गालियां देते हैं, हमारे आगे डब्बा लगा उससे भैंस भर गई हमारी। ठीक है, अभिषेक शुक्ला
क्या ऑप्शन रहते हैं इनके पास, अगर एक आम नागरिक होने के नाते, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते चाहते हैं कि बिजली चोरी जो हो रही है उसको रोका जाए, तो कानूनी रूप से क्या कर सकते हैं? कानूनी रूप से ये कर सकते हैं कि अपने जो क्षेत्र में इनके एसडीओ हैं तो सब डिविजनल ऑफिसर, उनको ये एप्लीकेशन दें, उनके सामने कहें भाई यहाँ बिजली चोरी हो रही है इसको रोका जाए, उनको अवेयर करें, और अगर एसडीओ लेवल पे नहीं सुनवाई होती है तो उनके बड़े अधिकारियों को इससे अवेयर करें, क्योंकि और फिर उसके बाद भी अगर नहीं इनको लगता है कि कुछ कार्रवाई कुछ हो रही है तो एक सिंपल लास्ट टाइम के लिए ये है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा ये करें और वो जो एप्लीकेशन एसडीओ को या उनकी हाई अथॉरिटी को दिया है उसको लेकर के एक हाईकोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल लोक हितवाद दाखिल कर दें, क्योंकि भाई ये एक तरह से पब्लिक मनी है, पब्लिक प्रॉपर्टी, उसका मिसयूज हो रहा है, एक यहाँ पर पीआईएल फाइल कर दें हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट उस पर इंक्वायरी कराएगा, डिसीजन देगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सर आपको बेहतर साथ इस बारे में मिली, बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय नाथ दुबे जी, राकेश तिवारी जी और अभिषेक शुक्ला, आप तीनों लोगों का इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, बेहतर जानकारी इस बारे में बताने के लिए और हमारे जो दर्शक हैं उनकी समस्याओं में बेहतर सलाह देने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन का एकमात्र उद्देश्य यही है कि समाज के हर वर्ग के हर व्यक्ति को बेहतर और समान रूप से न्याय मिले। इस बीच में कोई भी दिक्कत आपके सामने आती है तो आप हमारे साथ बेझिझक होकर अपनी दिक्कत आप साझा कर सकते हैं, हमारी तरफ से बेहतर और निःशुल्क कानूनी सहायता आपको जरूर दी जाएगी। नमस्कार। We'll be right back.